आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हिंसा पर साफ संदेश दिया कि वह चाहते हैं कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो, वह सुख शांति से वहां रह सके। आज़ादी की 78वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों और मंदिरों में तोड़फोड़ समेत कई जरूरी मामलों पर साफ साफ संदेश दिए। उन्होंने शेख हसीना का नाम लिए बगैर साफ कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना वाजिब है। पीएम ने कहा कि मैं इसको समझ सकता हूं, मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खासकर के 140 करोड़ देशवासियों की चिंता की वहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चलें, जल्द ही बांग्लादेश विकास की राह पर चलेगा। हालांकि पीएम ने यह साफ किया कि भारत हमारा शांति के प्रति कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है, हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास में हमेशा हमारा शुभ चिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से आज 11वीं बार तिरंगा झंडा फहराया है। अपने संबोधन में विकसित भारत 2047 पर जोर दिया। भारत की चुनौतियों को लेकर उन्होंने बताया कि वह इसको लेकर सजग हैं और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। बांग्लादेश के संदर्भ में मोदी जी की पॉलिसी हमेशा नेबर फर्स्ट की रही है। बांग्लादेश में हालिया परिवर्तन भारत के लिए एक झटका है, उन्होंने अपने भाषण में यह जाहिर किया और साथ ही नए निजाम को यह संदेश भी दिया कि भारत उसका शुभचिंतक है और उसे सुख और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए।